एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलम सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हेयर के लिए कुछ टिप्स। आज मैं आपको बेहतरीन हेयर कैसे रखें और इसे अगर आपके बाल रुके और बेजान हैं तो इन्हें खूबसूरत कैसे बनाएं। वैसे हमारे बालों को शाइन करने के बहुत सारे टिप्स हैं, लेकिन आज मैं आपको हीना के लिए कुछ खास बताऊँगी। हीना भी आप बहुत सारे टाइप से अपने बालों में लगा सकती हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, बट इस बार कुछ मैं अलग हटके बताऊंगी जो अगर आपके बाल रुके बेजान हो तो अगर आप इस टिप्स को यूज़ करती हैं, मेरे इस नुस्खे को यूज़ करती हैं तो आपके बाल बहुत ही सिल्की और खूबसूरत हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, आइए देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए हीना पाउडर। हीना पाउडर आपको मार्केट में इजली अवेलेबल होता है। वैसे आप जो पेस्ट यूज करते हैं या जो पाउडर यूज़ करती हैं आप वो ले सकती हैं। और हीना पाउडर, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, अपने बालों के ज़रूरत के अनुसार ही लें। इसके लिए हमें चाहिए छाछ और हनी। छाछ और हनी दोनों ही हमारे बालों में अच्छे कंडीशनर का काम करता है और साथ में अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर करता है। सबसे पहले हम छाछ को अच्छी तरह हीना पाउडर में मिक्स करेंगे। आमतौर पे हम वैसे कर्ड यूज करते हैं हीना पाउडर में, बट अगर आपके बाल ज़्यादा ऑयली हैं तो आप छाछ यूज कर सकती हैं। छाछ भी हमारे बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। हीना पेस्ट तैयार करने के लिए हम पानी यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, इसमें हम ओनली छाछ यूज करेंगे। हीना पेस्ट को जितनी आपको छाछ जरूरत है उतना आप डाल सकती हैं। हीना पेस्ट अच्छी तरह बना लेने के बाद इसमें हम 2 स्पून के लगभग हनी डालेंगे और इन्हें भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस पेस्ट को हम 2 घंटे तक इस तरह आप फ्रिज में या बाहर भी रख सकती हैं। 2 घंटे बाद इसे आप अपने बाल पे अच्छी तरह अप्लाई कर लें। अगर आपकी हॉलीडे है, आप संडे को इसे यूज़ कर रही हैं, तो आप अपने बाल को ओपन ही रखें जिससे कि हमारे ये पेस्ट अच्छी तरह बालों में सूख जाए। और 3 घंटे बाद इसे अच्छी तरह शैम्पू कर लें, इससे आपके बाल बहुत ही खूबसूरत और मुलायम हो जाएंगे। तो ये बताया मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन हीना पेस्ट जिसे आप यूज कर सकती हैं अगर आपके बाल रुखे बेजान हो तो इसके लिए। और हम जैसा कि जानते हैं, जैसा मैंने छाछ यूज़ किया है, छाछ हमारे हेयर के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आप छाछ ही यूज़ करें, क्योंकि छाछ हमारे बालों को बहुत ही स्मूथ, सिल्की और शाइन करने में सहायता करता है। तो आपको मेरा ये टिप्स कैसा लगा? अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नए नए टिप्स के साथ देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।